हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, लेट्स स्पाय ऑन योर पार्टनर। क्या आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, तो वट एवर जो भी चीज़ें आना चाहेंगी वो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्काई ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर 2 रेड कलर। तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों ने स्काई ब्लू कलर को चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपका पार्टनर करंटली क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हमारे पास हेरोफेंट और चैरियट कार्ड आया है। हेरोफेंट और चैरियट कार्ड यहाँ दिखा रहा है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपका पार्टनर जो है बहुत हाई वाइब्रेशन में होगा, अपनी लाइफ के पीक पे होगा, बहुत खुश होगा, हैप्पीनेस होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता होगा, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, मनी वाइज बैलेंस्ड होगा। आपका पार्टनर बहुत अच्छी सिचुएशन में होगा, कहने का भाव है, ठीक है। यहाँ काफ़ी एक तो दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल बैलेंस होगा, ठीक है, अपने इमोशंस को काबू में किया है, फाइनेंशियली जो है अंदर से कंटेंट फील करेगा, ना कोई रोना धोना नहीं, बहुत हाई वाइब्रेशन, कॉन्फिडेंट रहेगा, आगे बढ़ेगा, स्टक बिल्कुल नहीं रहने वाला, अनस्टॉपेबल वाली ऊर्जा होगी आपके पार्टनर की और वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेरोफेंट दिखा रहा है यहाँ कुछ लोगों के लिए, आपका पार्टनर शायद शादी कर रहा होगा उस टाइम, या उनका कोई रिश्ता पक्का हो रहा होगा और वो आगे बढ़ रहा होगा यहाँ, या फिर सिंपल इस कार्ड का मतलब है कि आपका पार्टनर कोई हायर नॉलेज अपनी लाइफ में गेन करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के सिनेरियो निकल रहे हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। आपका पार्टनर फॉर श्योर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ अच्छा है, गुड है, ठीक है। इस पार्टनर को कोई लोचा नहीं, आपके पार्टनर को कोई लोचा नहीं होगा, ठीक है, हैप्पी होगा अपनी लाइफ में, हाई वाइब्रेशन, कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग, आगे बढ़ता हुआ, ठीक है। साथ में ये कार्ड लेकिन यहाँ पे ड्यूअलिटी शो करता है, एक तो आपके पार्टनर की मैरिज हो सकती है और दूसरा यहाँ पे ये शो करता है हायर लर्निंग, कुछ नया कोर्स या कोई हायर लेवल का कोर्स, या अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स लर्न करता हुआ, कुछ तो ट्रेडिशनल लर्निंग या समथिंग, कुछ हायर लर्निंग करता हुआ आपको नजर आएगा आपका पार्टनर। तो ये सब उनकी लाइफ में चल रहा होगा। चलिए ये तो थे बेसिकली कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस समय आपके पार्टनर की फीलिंग आप लोगों के लिए क्या रहेगी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स क्या रहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स। यहाँ एम्परर है, 3 कार्ड लूंगी मैं, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या रहेंगे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। टेम्परेंस कार्ड, 1 कार्ड और, आपके पार्टनर के फीलिंग और थॉट्स आप लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर क्लोज्ड ऑफ हो चुका होगा आपसे, जब भी ये वीडियो देखेंगे ना आप, यहाँ सेपरेशन सिचुएशन, आप दोनों की सेपरेशन में होंगे आप दोनों जब ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और आपको या इस इंसान को लग सकता है कि दूसरे इंसान ने उसे इग्नोर किया है, टोटली डिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। और बात कर ली जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर को कोई इमोशनल लोचा नहीं है इस सिचुएशन से, आपका पार्टनर बहुत सधा हुआ और बैलेंस कर लिए अपने इमोशन आपके पार्टनर ने, पास्ट का तो पता नहीं, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपका पार्टनर जो है इमोशनली उभर चुका है, कोई इसको पेन या लोचा नहीं है, बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, यहाँ बैलेंसिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आपका पार्टनर जिसे सधा हो, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रखा हो, आगे बढ़ रहा हो, एम्परर वाली यहाँ ऊर्जा है, आपके प्रति क्लोज्ड ऑफ हो रखा है आपका पार्टनर, आपकी तरफ अगर पूछा जाए तो आपसे कोई डील नहीं करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ आपकी तरफ उन्होंने अपना जो है हार्ट का दरवाजा बंद कर लिया है और एम्परर के उसमें रहेगा ऊर्जा में, हाई वाइब्रेशन, ठीक है। आपको लग सकता है कि इस इंसान में ईगो बहुत आ गया है, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ रहा है, खुद को वेल बैलेंस्ड कर लिया है, खुद के इमोशंस को अच्छे से बैलेंस किया, इस इंसान को कोई नीड नहीं है अब किसी और की, ठीक है, अपने आप में बैलेंस फील करेगा ये इंसान। और यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है, अपनी मैस्कुलिन प्रैक्टिकल अप्रोच को निखारता हुआ नजर आएगा, थोड़ा ईगो इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, और हाई वाइब्रेशन रूम में रहेगा कॉन्फिडेंट, पैशन बहुत होगा, बड़ा चढ़ा रहेगा और अपने लिए कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, अपने घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए नजर आएगा। तो या एम्प्रेयर की ऊर्जा में रहेगा, मैस्कुलिन एनर्जी में प्रैक्टिकल 3D दुनिया के साथ, कार्मिक वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से डील करते हुए आपको ये इंसान नजर आएगा। ये कार्ड भी ले लेती हूँ मैं यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे लेंगे नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेगा क्या ये पर्सन आप लोगों की तरफ या नहीं। सो आपका पार्टनर मुझे यहाँ लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है आपके बिना भी, इस इंसान को कोई लोचा नहीं है, इस इंसान ने बैलेंस बनाया हुआ है अपना बहुत अच्छे से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इन फ्यूचर कोई एक्शन इस इंसान की तरफ से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर? नो, यहाँ पे कोई एक्शन, बट यहाँ कॉम्युनिकेशन आ सकता है, बट एक्शन नहीं लेगा। एक्शन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है ना, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली थोड़ी सी ऊर्जा होती है कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना, अपने थ्रोन पे एकदम बैठे रहना, ठीक है ना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, कोई लोचा ना होना, खुद की केयर करना, सेल्फ लव करना, खुद का ही ध्यान देना, कोई एक्शन ना लेना। बट हाँ, कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मुझे जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, सिर्फ बातचीत और कम्युनिकेशन यहाँ हो सकती है, चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट वैसे ओवरऑल ये इंसान अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट और सेल्फ सफिशिएंट है और इस इंसान को किसी की नीड नहीं है, ऐसी सी इसकी ऊर्जा है अभी फिलहाल, जैसे किसी की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ ले लेते हैं कुछ यूनिवर्स की एडवाइस रिलेटेड टू दिस कनेक्शन फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। ओके, ये आना चाहता है कार्ड, ऑल टाइड अप, ट्रैप इन माइंड। यहाँ जो ऑल टाइड अप है तो यहाँ पे एक बंधा हुआ, एक फियर्स वाली यहाँ पे एनर्जी शो हो रही है कि अपने माइंड में ट्रैप आप लोग मत होइए, ठीक है। अगर कोई भी फियर्स हैं आपके माइंड में या आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अपने ही माइंड में, ठीक है, कोई भी आपने इल्यूजन पाला हुआ है तो उस इल्यूजन को ब्रेक करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। कोई इल्यूजन अगर आपने बना रखा है अपने दिमाग में, उससे बाहर निकलिए, थोड़ा प्रैक्टिकल की दुनिया में थोड़ा बाहर आइए, रियलिटी की दुनिया में थोड़ा बाहर आइए, ठीक है। दो एडवाइस कार्ड और लूँगी मैं, इतने सारे आ गए हैं, चलिए सब पढ़ लेते हैं। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है। एंग्जाइटी, अपनी एंग्जाइटी को भगाइए, ठीक है। डोर टू वैल्यू, लव के साथ यहाँ मनी भी आ रही है आपकी लाइफ में। एप्रिसिएशन, बहुत जल्द आपको एप्रिशिएट किया जाएगा आपके गुड वर्क के लिए। बिकॉज ऑफ यू आई नो हु आई एम, सो दिस इज लाइक, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा हो सकती है कि आपकी वजह से रियलाइजेशन हुई है इस इंसान को कि सेल्फ लव करना है, और बिकॉज ऑफ यू इस इंसान को अपनी वैल्यू और वर्थ पता चली है अपनी लाइफ में, आपकी वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो इस इंसान की लाइफ में, जिसकी वजह से इसने अपनी खुद की रियल एबिलिटी को पहचाना हो और अब बैलेंस्ड हो। ये बैलेंस और ये जो मस्कुलिन की एनर्जी आई है, ये ट्विन फिल्म की कुछ लोगों के लिए ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप, ये आपके पार्टनर की तरफ से मुझे मैसेज लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ कुछ फियर्स हैं जो एंग्जाइटी दे रहे हैं, उनको दूर निकालने की ज़रूरत है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके गुड वर्क को, आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, ठीक है, अप्रिशिएशन, लोगों की प्रशंसा भी आ रही है। ये तीन ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है अगर आप अपनी इस एंग्जाइटी को कट करें, फियर्स को कट करें, ठीक है। और ये एक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। पाइल नंबर वन, हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपका पार्टनर जो भी आपके माइंड में हो वो अपनी लाइफ में क्या करता हुआ नजर आएगा, जिन्होंने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आपका पार्टनर उस समय अपनी लाइफ में क्या करता हुआ नजर आएगा, सेल्फ लव करता नजर आएगा सबसे पहले। तो पाइल नंबर टू, आपका पार्टनर अपनी लाइफ में क्या करता हुआ नजर आएगा, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। एम्परर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए नजर आएगा,
ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है खुद की टेक केयर करता हुआ नजर आएगा, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नजर आएगा, सिचुएशन के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करते हुए नजर आएगा, मनी को और घर के जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं, ठीक है, तो हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, हर चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। एम्प्टर की ऊर्जा है तो प्रैक्टिकल वे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा चढ़ा रहेगा, हाई रहेगा, और खुद सेल्फ लव बहुत अच्छे से कर रहा होगा, अपनी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रहा होगा, अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुन रहा होगा, हर मनी है या कुछ भी है उसे बहुत अच्छे से बैलेंस और हैंडल और मैनेज कर रहा होगा, अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करता हुआ आपको नजर आएगा जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। मैस्कुलिन की एनर्जी में रहेगा और हो सकता है आपका पार्टनर आपको लेकर डिफेंसिव हो, ठीक है, आपसे डील करना ना चाहे, ये उनकी करंट जो है वो रहेगी कि आपसे डील उस वक्त जब आप ये वीडियो देखेंगे नहीं करना चाहता होगा आपका पार्टनर। चलिए अब हाँ, ये तो था कि करंटली अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की कोई भी थॉट्स या फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगी, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग आप लोगों के लिए क्या, ओ माय गॉड आई शफल, आपके तरफ आपका पार्टनर डिफेंसिव है ना, तो खुद मैसेज करेगा, अगर आप करेंगे तो अपने गार्ड्स जो है अब कर लेगा, आपसे डील नहीं करना चाहता अभी आपका पार्टनर। आपके पार्टनर के फीलिंग्स या थॉट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे, पाइल नंबर टू, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे होल्ड बैक, ओ माय गॉड, या तो डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, ये कार्ड पहले भी आया था, है ना, तो ये इंसान ने अपना हार्ट बंद कर लिया है, क्लोज कर लिया है, आपके लिए ओपन करने के लिए रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिफेंसिव है ये इंसान आपके लिए, आपसे डील ही नहीं करना चाहता, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ऐसा क्या हो गया भाई आप लोगों की लाइफ में, ये इंसान आपको देखना भी नहीं चाहता, आपसे डील भी नहीं करना चाहता, आपका नाम भी नहीं सुनना चाहता, इतनी जो है यहाँ दिख रही है यहाँ पे उनकी एनर्जी, ठीक है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स या फिर थॉट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे वो आपका पार्टनर सेल्फ लव करते हुए नजर आएगा, एंगर इश्यूज भी हैं आपके पार्टनर को, गुस्सा भी बहुत है आप पे, बहुत गुस्से में है आपका पार्टनर, अगर आप बात करने गए तो आपको इतने शार्प वर्ड सुनाएगा कि आपसे सुने नहीं जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग गुस्सा दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अभी मत ही छेड़िएगा इस इंसान को, ये पर्सनल एडवाइस दूंगी मैं, ठीक है, या तो ये इसी की ऊर्जा आ जाती है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक तरफ तो आपके पार्टनर ये भी देखता है कि आप दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं, अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों की, मैच्योरिटी लेवल इक्वल है, दोनों ही गुड लुकिंग हैं, दोनों ही अपनी ट्यूशन को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है यहाँ पैशन अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, बट स्टिल यहाँ डिफेंसिव ऊर्जा है आपको लेकर, हालांकि उन्हें पता है कि आपके साथ केमिस्ट्री अच्छी जमती है उनकी, ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड आपके साथ स्पेंड किया है आपके पार्टनर ने, अच्छी केमिस्ट्री पता है कि अच्छा बनता है आपके साथ, ठीक है, बट यहाँ पे जो है होल्डिंग बैक और डिफेंसिव की ऊर्जा है और सिर्फ सेल्फ लव करता हुआ आपका पार्टनर नजर आएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या ये इंसान कोई आपकी तरफ स्टेप लेगा, क्या मूव रहेगा इस इंसान का, तो यहाँ पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है, वाओ क्या बात है, ड्यूअलिटी रीडिंग में, ड्यूअलिटी मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त ये इंसान टोटली डिफेंसिव होगा, आप अगर इसे मैसेज करेंगे तो ये इंसान फिर से आपको जो है अपनी वॉल्स खड़ा कर देगा और आपके साथ बात नहीं करेगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इसको छेड़े ना, क्योंकि अगर आप छेड़ने जाएंगे लेट दिस पर्सन कम टू यू, इस इंसान को अपनी तरफ आने दें, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें वरना चीज़ें सिचुएशन ख़राब होगी, क्योंकि इन नियर फ्यूचर यहाँ यूनियन भी दिख रहा है, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, हालांकि सोच सोच के यहाँ एंग्जाइटी बहुत ली है आप लोगों ने, बट विक्ट्री आप लोगों का वेट कर रही है, रिकंसिलिएशन आप लोगों का वेट कर रही है, रिकंसिलिएशन और विक्ट्री आप लोगों का वेट कर रही है, ठीक है। कुछ समय होता है ऐसा कि वो ख़राब समय होता है और उस समय में थोड़ी डिस्टेंस ही सही रहता है, नहीं तो चीज़ें और भी वर्स्ट हो जाती हैं, तो आप थोड़ा टाइम दें
इस सिचुएशन को, ये फेज भी निकल जाएगा, जो भी बुरा वक्त है एंग्जाइटी का वो निकल जाएगा, विक्ट्री आपको मिल जाएगी, न्यू बिगनिंग यहाँ हो जाएगी, यूनियन आपको मिल जाएगी, रिकंसिलेशन के लिए ये इंसान खुद आएगा नियर फ्यूचर में आपके पास। बट अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ये इंसान टोटली डिफेंसिव मोड में होगा, तब इसे छेड़िएगा मत, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही गुड लुकिंग हैं, यहाँ पैशन की तो कोई सीमा नहीं है, यहाँ एक दूसरे के लिए जो पैशन है वो बहुत अनलिमिटेड है, अट्रैक्शन का लेवल जो है बहुत हाई है यहाँ, ठीक है, लाइक अ मैग्नेट्स, ओके। तो या इन नियर फ्यूचर यूनियन है यहाँ पे, रिकंसिलेशन है यहाँ पे, पाइल नंबर टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन वाली अट्रैक्शन है, ठीक है, बट करंटली अभी ये इंसान टोटली डिफेंसिव है। चलिए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की क्या एडवाइस है इस रिलेशन को लेकर, चलिए यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशन को लेकर, लेट्स चेक आउट पाइल नंबर टू। यूनिवर्स की एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस, एक कार्ड और, ओके आ गया है कार्ड, लेट्स रीड आउट। वुमेन होल्डिंग हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ ऊर्जा है, यहाँ पे आपकी मदर या फिर कोई बहुत ही केयरिंग इंसान जो है आपको सही मार्गदर्शन आपका कर सकता है, या अपनी मदर से आप बात कर सकते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ डेफिनेटली स्टॉर्म वार्निंग की ऊर्जा है, अगर आप करंटली इस इंसान को जाकर छेड़ेंगे तो चीज़ें और भी वर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। वॉकिंग अवे, तो अभी आपको यहाँ से वॉक अवे करने की हिदायत दी जा रही है कि अभी आप जो है इस इंसान के साथ डील मत कीजिए। हीलर ऑफ द एजेस, इंस्टेड आप खुद को हील कीजिए, ठीक है, यहाँ आपको खुद को हील करना है। एनवी, यहाँ पे कुछ लोग जेलस हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, इस कनेक्शन से डेफिनेटली कुछ लोग जेलस हैं क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है आप दोनों की, यहाँ पे नज़रें भी लगती हैं, पाइल नंबर टू आपके रिश्ते को नज़र भी लग जाती है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सही जमती है आप लोगों की। बट अभी के लिए आपके लिए वॉकिंग अवे का कार्ड है, ठीक है, अभी आप जो है जंप मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए और खुद वॉक अवे कीजिए, हील कीजिए खुद को, वो टाइम स्पेंड कीजिए खुद के लिए, खुद को जो है हील करने के लिए। अगर आप फिर से अभी इस इंसान को अप्रोच करते हैं तो स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ फिर से कोई बिग ट्रबल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप किसी केयरिंग लेडी की हेल्प ले सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो जो बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग हो, ठीक है, मदर लाइक जिसका बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो क्लोज, चाहे कोई वो, ठीक है, नियर एंड डियर वन हो, तो आप उसकी एडवाइस ले सकते हैं। और दिखावा मत कीजिए, अगर आप दोनों का पैचअप होता है तो फ्लॉन्ट मत कीजिए अपने रिलेशन का, ठीक है, क्योंकि उससे लोग एनवी होते हैं और फिर से तकरार होती है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।